मैं पहले भी कहा, मैं ऐसा कंपटीशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे ये लगता है कि हम लोगों का जो पर्पस है वो यही है कि लोगों को हंसाना है, और सारी टीम वही है, सब कुछ वही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कंपटीशन, ऐसी चीज़ें दिमाग में रख के चलेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव वे से हम लोग ये शो बना रहे हैं, और जैसे पहले मेहनत करें वो हमारे ब्लड में ही है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तो इस शो के लिए भी करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही बनेगा। एक कैरेक्टर या एक आर्टिस्ट के लिए जिसके सामने सिर्फ क्रिएटिविटी ही होती है, ना समय देखना है, ना उठना बैठना खाना पीना देखना है, ऐसे में अगर कोई लीगली बोल दे कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये नाम यूज़ नहीं कर सकते और इतने ही लोग यूज़ कर सकते हो, कितना टफ होता है ये न्यूज़ आर्टिकल या फिर ये एक लीगल आर्टिकल आपके सामने? ये इनको, ये इनके बारे में आपको ये बताएंगे मिस्टर अली असगर और सुनील ग्रोवर जी, जिनको नोटिस आया होगा, इसके बारे में आइडिया नहीं है। नहीं, ये नोटिस आया है डेफिनेटली, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट जिसने भी जहाँ से भी आया है, ठीक है। अब वो लीगल नोटिस है और ये एक लीगल टर्म है, तो लीगल टर्म के बारे में हम ज़्यादा, हमें नहीं पता कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स एंड क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो हमारे लॉयर इसका जवाब दे रहे हैं। हाँ, एंड लेट्स सी इसका आउटकम क्या होता है। एक चैनल कलर्स जैसा चैनल जो बहुत अच्छा कर रहा है, आपको प्यार भी मैसेज उनकी तरफ से मिला है, ऐसे में सोनी को चूज़ करना, ये क्या एमलिनेशन था? आपकी तरफ से एक स्टेप लिया गया था या सोनी की तरफ से एक स्टेप लिया गया था? मैम, काम तो करना ही है, अभी ऐसा भी नहीं है कि घर पे बैठ जाएंगे, पर ठीक है, कहीं ना कहीं तो करना ही है, तो सोनी करते हैं। और सोनी पे हमारे, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारे शोज़ कर चुका हूँ उस नेटवर्क पे, एनपी सर से मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी है, तो उनका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, और जो आशीष हैं अभी उन्होंने सोनी ज्वाइन किया है, तो ये सब वही ले दे के कितने चैनल्स हैं और कितने लोग होते हैं जो सब चलाते हैं, तो वही लोग हैं। आप भी, मैंने पहले भी जैसे कहा कि कोई भरोसा नहीं, आज आप इस तरफ खड़ी, कल एबीपी पे हो, फिर आज तक पे हो, कल एनडीटीवी पे हो, तो ये सब तो होता रहता है इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, हम पगार बढ़ने के चक्कर में नहीं आए। कपिल, उम्मीदें बहुत ढेर सारी हैं, जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल था। तुम खाना वाना खाओ जाके, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? हम बना लेंगे ना शो, ऐसे सेटिस्फेक्शन है। जी जी, सॉरी। तो कहते हैं कि लोग एडिक्टेड हो गए हैं आपको देखना, आपके शो को देखना, क्या वो जो एक डिजायर है, जो ख्वाहिश है, उसको पूरी कर पाएंगे कपिल सोनी के साथ? जो आप बोलते ना इच्छाएं, क्या हम पूरी कर पाएंगे, जब ऐसा आता है ना सर, तो बड़ा डर लगने जाता है ऐसी बातें सुन के। मुझे नहीं लगता है कि इतनी टेंशन लेते हैं सर, क्योंकि 10-15 साल से यही काम कर रहे हैं, सो इस बार भी उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ ये शो करेंगे। और जब भी आपको भी कोई नई चीज़ शुरू करते हो तो एक्साइटमेंट लेवल जो है बढ़ जाता है आपका। तो मुझे ये लगता है कि जब इस शो पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, तो अभी फिर वो रातों को नींद उड़नी बंद, आनी बंद हो गई है यार। वो इसलिए नहीं कि टेंशन नहीं है कोई, पर ये कि एक्साइटमेंट है कि यार नया सेट होगा, नए नई नई चीज़ें करेंगे, नए कैरेक्टर्स कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, सो एक्साइटमेंट है सर, बाकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। अली, आप इस जन्म में खुश हैं? इस दूसरा जन्म है आपका? हाँ। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक्स कपिल, मुझे वापस मर्द बनाने के लिए। हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब खुशी खुशी है, मतलब कुछ हैवीनेस नहीं लग रहा है, एंड एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि जो बार बार जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जो जितने भी मीडिया थे यहाँ पर, कि जो प्रेशर है आप पर, तो मैं एक छोटा सा कोट पेश करूँगा, ये मैंने किसी इंटरव्यू में जॉनी वॉकर साहब से सुना था, बोलते हुए उनसे कहा गया था कि आप इतने सीनियर कॉमेडियन हैं, आप दिलीप साहब और राज कपूर साहब, देव साहब के साथ आपने कॉमेडी की, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, आज के जो नए कॉमेडियंस आए हैं, जब आप उनके बीच में नहीं हो तो आपको कैसा लगता है, आप इतने अवार्ड्स जीते हैं। तो उन्होंने बहुत खूब कहा था कि अपने अंदाज में, कि भाई जो पहाड़, जो एवरेज भी जो चढ़ा था बंदा, वो बड़े मेहनत मुशक्क़त के साथ वो बंदा पहाड़ चढ़ता है, ऊपर जाता है, ऊंची चोटी पर जाता है, वो अपना झंडा गाड़ता है, चार फोटो खिंचवाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर वो दूसरी जगह उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हमने जो किया, लोगों ने प्यार दिया, सराहा, सब कुछ, अब जिम्मेदारी बढ़ गई, अब उससे अच्छा करने की हम मेहनत करें, कोशिश करें, उसमें आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये बातें वैसे ही ना, शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं, आपका दूसरा जन्म हुआ है। नहीं, हमारा रोज ही जन्म होता है। हम लोगों का काम है अलग अलग कैरेक्टर प्ले करना, अलग अलग एक्टर्स लोग हैं, कॉमेडियन लोग हैं, उन लोगों का काम है, इसीलिए एक्टर बने कि हमारा रोज़ नया जन्म हो सके। मेरी बचपन में कन्फ्यूजन थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ, तो एक ही प्रोफेशन था, सब कुछ बना सकता था, टीचर समेत वो था एक एक्टर बनना, अलग अलग किरदार निभाना, ये हमारा शौक है, और लोग रोज़ जन्म होता है और होता रहे, ताकि ये हमारी जो चाहत है, जो अंदर से
इसी के लिए हम शायद ईश्वर ने हमें इसी लिए बनाया है जो बनाया है कि अलग अलग कैरेक्टर कर सकते हैं, उसी पर खुशी मिलेगी। कपिल एंड टीम, आप एक ये पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, एवरीबडी हैज लव यू ऑल द टाइम, एवरी शो, एवरी एपिसोड, आपके घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शंस मिलते हैं ये शो को देखने के बाद? स्टार्ट विद मेरे घर वालों के किस शो को देखने पर? आपके शो को देखिए, फिर क्या रिएक्शंस मिलते हैं जब आस पड़ोस में सुनते हैं जो आ रहा है, जो शो आ रहा है उसके बारे में कोई भी आपको लेकर क्या रिएक्शन परिवार? हाँ, मेरी मम्मी बोलती है अमृतसर में, बोलती है कि मुझे सब पूछते हैं कि कब कर रहा है कपिल या शो, तो सबके परिवार वाले तो जुड़ा होता है। मेरी मम्मी को तो वैसे भी शूट में अभी सेलिब्रिटी हो गई मेरी मम्मी, तो वो मेरी मम्मी के साथ लोग सेल्फी लेते तो वो उसी में खुश है, तो वो बैठती हैं हमेशा मेरे शो में आके। इस शो में भी मैं उनको बुलाऊंगा अभी, तो अभी क्या है कि हम लोग ट्रैवल बहुत काफ़ी कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी उनको बुलाया नहीं यहाँ पे, तो अमृतसर में कर रहा हूँ। सब वो फैमिली भी मिस करती है, हमारी फैमिली मिस करती है, जैसे सब लोग मिस करते हैं। मेरी फैमिली लालची फैमिली है, वो लोग पूछते हैं कि पैसे आए कि नहीं आए, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। दे आर हैप्पी दैट ऑफ कोर्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर डूइंग वेल, एंड जो जिस जहाँ से चले थे, वेरी वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ द सक्सेस दैट लास्ट शो हैड सीन, एंड वी प्रे आवर फिंगर्स क्रॉस दैट वी डू बेटर इन आवर नेक्स्ट शो। आपके लिए तो कुछ लंबी लाइन वाइन भी लगी होगी, तो कोई नई बात नहीं होगी? कम शो ना, थोड़ा ग्लैमर तो है न्यूज में। आओ, कितने लड़कों ने प्रपोज कर दिया अभी तक, और आपके मम्मी पापा ने कितना मना कर दिया? लड़कों नहीं, नहीं कोई प्रपोजल नहीं, बिकॉज आई थिंक ये जो सच बताओ सच नहीं नहीं कोई प्रपोजल नहीं आ रहा, ये फुल स्टॉप नहीं लगवाना चाहते हैं, इसलिए अभी तक ऑन रखा हुआ है। नहीं, हम लोग तो देखिए, हम लोग ना एक परिवार की तरह रहते हैं, हम मिस नहीं होने देते कुछ। मैं खुद ही 5-6 बार कर चुका हूँ इसको, सुनील कर चुके हैं, तो हम लोग आपस में करते रहते हैं, बाहर वालों को हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज जब हम लड़कियां बने होते हैं फैमिली, तो बाहर वाला आउटसाइडर्स आर नॉट रियली अलाउड, पेरेंट्स आर हैप्पी विद दैट। हमने सच बोला, हम सच्ची में कर चुके हैं। पॉपुलर हुए हैं, जैसे बाबा जी का ठुल्लू जो फ्रेज था, तो क्या वो भी इसमें यहाँ यूज नहीं हो पाएगा ऐसा? मैम पता क्या होता है, जब कोई चीज़ एक चीज़ कोई हिट होती है तो उसके साथ जुड़ी जुड़ी सब चीज़ें हो जाती हैं। नहीं तो क्या है, बाबा जी का ठुल्लू क्या वर्ड ऐसे मुँह से निकल गया था एक बार, तो बच्चों ने पकड़ लिया, वो कैची वर्ड था, फनी था, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे और चीज़ें आएंगी। नहीं नहीं कुछ तो वो तो होता रहेगा। तो कोई ऐसा सिग्नेचर डायलॉग जो आप लोग को अच्छा लगा हो वो बताएंगे इसके बारे में, जो लोगों को पसंद आने वाला है? सर इतना मतलब इतनी प्लानिंग नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कॉमेडी में क्या है कि इम्प्रोवाइजेशन बहुत होती है, तो लास्ट मोमेंट तक हम लोग काम करते रहते हैं, तो वो देखेंगे मौके के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ मैं अभी ठुल्लू सोच के बैठा हूँ या मैं, तो वैसा कुछ नहीं है। पर अरे बापरे, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं वेदांत क्या यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोग हंसा रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, बस आपका प्यार काफ़ी है, बस आप बोल रही हैं तो ठीक है, शुक्रिया। भारती मैं बैचलर आदमी हूँ, मेरा बेटा कहाँ से आ गया यार, मेरे को